हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप भी अभी बज रहे शाम के 6 बजने वाले हैं। तो मैं ब्लॉग आज शाम से ही स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ। दिन तो ऐसे ही चला गया, रूखा सूखा हल्ला बुल्लू करके। हेलो गाइस, खांसी से तो बुरा हाल है। ये रहा हमारा मोहतरमा, आई हुई आज मिली है हमारी अमायरा से। गंदी बात ये ना, बहुत ही ज्यादा बदमाश हो गई है, बहुत ही ज्यादा। एक बात करो ना तो उल्टी सीधे जवाब देती है। तो ये इसकी आदत क्या है, गंदी। ये गंदी लड़की है, ये अच्छी लड़की नहीं है। अच्छे बच्चे ऐसी बात नहीं करते ना। ये कौन है? ना पापा ने। और ये रहा रौनक। मुझे दुनिया से मतलब बस नहीं। रौनक की थोड़ी सी तबीयत ढीली ढीली सी है, इसकी वजह से मैं भी ढीली ढीली हो गई हूँ। लेकिन ये फिट है, जबकि इसको भी इतना जुखाम कोल्ड खांसी सब हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिए कितनी चुस्त है। तो आज मैंने शाम से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो देखिए कल तक हमारा क्या शेड्यूल बनता है। अगर रात में अगर कम्प्लीट हो जाता है तो मैं एडिट करके अपलोड कर दूंगी। जरूर वॉच कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ ही। चाहे गला खराब हो, चाहे नाक बंद हो, चाहे कुछ भी बंद हो, ब्लॉगिंग चालू रहेगी, है ना। एबीसीडी सुनाओ। चलो एबीसीडी पहले मैंने दी बी क्या था ये गाना नहीं, एबीसीडी सुनाओ अच्छे से। आमो एबीसीडी सुनाओ, बड़ी मम्मा नाराज हो जाएगी फिर। अरे दादा रे, 1 2 3 सुना दो। चलो 1 2 5 3 4 कहाँ गया? कुरकुरे के साथ खा गई। कच्चा बादाम वाला गाना सुना ना जरा। ये देखो जोश। हाँ अरे नहीं नहीं, कच्चा मैं इसके वीडियो बना रही हूँ, छोड़ ना। कच्चा बादाम सुना दे। इधर मुड़, अबे वो हीरोइन इधर मुड़। हाँ बोल। बस हो गया, काफी है। चल अब क्वेश्चन का आंसर बता। A4 विशाखा को फोन करूँ। A4 B4 C4 D4 D4 elephant D4 पता नहीं। Dog E4 Telephant Elephant F4 Telephant आमू F4 Fish। हाँ, बादाम खाने से क्या आता है? अरे भगवान भगवान है कहाँ रे तू? तूने पार्टी में क्या किया बता? ये रौनक तेरा पेन खराब कर देगी। ओम भू भुवस्व वाला सुना दो इधर। बस हो गया। ओम भू भुवस्व सुना दो। अमायरा देखो आजकल के बच्चे। ओम भू भुवस्व वाला गाना गाओ। नहीं, वो नहीं। पासबुक अरे भगवान तो गाइस स्टार्ट करती हूँ मैं। अब अपना डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं। डिनर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आज कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। जैसा कि मैंने बताया दोनों माँ बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देखिए खीरा है जो मैंने ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में काटा हुआ है, और ये लेटेस का पत्ता है इसको भी मैंने ऐसे ही काटा हुआ है, और ये थोड़ा सा टमाटर है इसको भी मैंने ऐसे काटा है, थोड़ा सा ग्रीन चिली लिया हुआ है, और ये है स्वीट पोटैटो जो मीठा आलू बोलते हैं, स्वीट पोटैटो बोलते हैं, शकरकंदी बोलते हैं, ये वो है। और हम नींबू के बदले इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है। इसको कर देती हूँ मैं फिलहाल के लिए एक साइड में। ओए क्या हो गया? कुकर में बिठाया है मैंने छोले। खुल जा भाई। अच्छा यहाँ से लॉक है। तो
ये रहा छोले, एक बार छोले को भी चेक कर लिया जाए कैसे पका है ये। हाँ ये बिल्कुल सही पका हुआ है। ठीक है इसको एक साइड रख देते हैं फिलहाल के लिए। ये खांसी ने भी खून पी लिया भगवान कसम। ये वाइट तिल है ठीक है, इसको मैं इतना डाली हूँ, कम से कम 2 चम्मच है, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सलाद नहीं बना रही मैं, कम बना रही हूँ। तो इसको ना मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने कर लिया, इसको कर दिया है। अब फटाफट हम इसको इसमें कूट लूँगी, मैंने मिक्सी नहीं निकाला है, मुझे आलसी लग गया क्योंकि मुझे दरदरा चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो हम इसको अगर इसमें कूटेंगे भी ना तो ये अच्छे से दरदरा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको कूटते रहेंगे, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ये लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ये गरम गरम में कूट लिया था ना, तो ये देखिए इतना दरदरा हो गया, बस इतना ही मुझे चाहिए था। अब इसको भी एक साइड कर देते। पहले मैं इसमें काटने जा रही हूँ प्याज, चार प्याज को भी काटेंगे ऐसे लंबे लंबे। ये काट लिया, फिर मैं इसमें ना डालूंगी तिल, क्योंकि तिल को ना जो है इसमें मिक्स करना। ओह आवाज आ रही है, ओह मुझे चाहिए चम्मच। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। चलिए ये तो अब अच्छे से मिक्स हो गया है। तो पहले मैं डालूंगी इसमें लेटिस का पत्ता, फिर डालेंगे टमाटर, फिर डालेंगे इसमें खीरा। कितना सुंदर लग रहा है। और ये है कुछ हरी मिर्च, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, दही से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं दही इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमें कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस पर डाल सकते हैं। और ये रहा शक्करकंदी, मीठा आलू यानी स्वीट पोटैटो, जो मैं इसमें मिक्स करने जा रही हूँ। तो ये लास्ट में डाला है मैंने, इसको बॉईल कर लिया था मैंने कल ही, यार फ्रिज में रखा था ना बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो गया। वेल कोई बात नहीं, मैं ना पहले रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करती गाइस क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मेन रोड पे है मेरा घर है, तो गाड़ी ना पैपू 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 आपको आ भी रही होगी आवाज़, इतनी आवाज़ आती है तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लगता है। तो मैंने कहा लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग करके ही अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है इसमें ना, क्योंकि रियल वॉइस आती है। तो ये देखिए ये मैंने काट लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी क्या है ये हमारा छोले, छोले बस इतना काफी है। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। किचन फैला हुआ है, देखिए ब्लॉगिंग में यही मज़ा आता है, ब्लॉगिंग करके अगर हम रेसिपी तैयार करते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि अगर किचन फैला हुआ भी होता है ना तो अच्छा लगता है क्योंकि वो ब्लॉगिंग में आ जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ रेसिपीज़ बनाते हैं ना तो फिर सारा क्लीन करके ही हमें करना पड़ता है, तो मुझे तो यही अच्छा लगता है, अपना ब्लॉगिंग भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी रेसिपी भी बन जाएगी। तो ये देखिए कितना देखने में यमी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है,
तो अब मैं बताऊंगी इसमें क्या डालना है। अब पहले तो मैं तड़के की तैयारी करती हूँ, ठीक है। इसको हम कर देंगे एक साइड पे। तो मैं आ गई हूँ गैस की तरफ। गैस पूरा छितर बितर हो रखा हुआ है क्योंकि छोले जो है सारा उबल गया था, तो कोई बात नहीं, साफ कर लेंगे। तो ये मैंने गैस पे ये बिठा दिया है। तो इस पे मैं डालूंगी हींग तड़के के लिए, और उसके बाद मैं इसमें, अब गैस को थोड़ा सा कम कर देते, इसमें मैं डालने जा रही हूँ 5 फूरन। 5 फूरन आप सभी को पता होगा। और उसके बाद अब कर देंगे गैस को बंद, और इस पे मैं डालूंगी हल्दी। हल्दी जल ना जाए इसलिए हमने गैस को कर दिया है बंद। तो ये रहा, अब हम डालेंगे इस तड़के को यहाँ पे। अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। मेथी भी डाला जाता है लेकिन मेथी मेरे बेटे को पसंद नहीं है तो मैंने इसलिए नहीं डाला हुआ है। आप चाहे तो मेथी डाल सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बच्चों के हिसाब से बनानी पड़ती है, तो आप मेथी का तड़का भी लगा सकते हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। दही डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्टी लगेगा। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, हमारे घर में कोल्ड खांसी हो रहा है, तो इसकी वजह से मैंने दही इसमें नहीं डला हुआ। ये हमारे नेपालियों का ट्रेडिशनल अचार है जो हमारे यहाँ अक्सर ऐसा बनता है, बस मैंने इसको थोड़ा सा अपना लुक दिया हुआ है। तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ ऑरेंज जूस। यम्मी, नींबू के बदले मैंने यहाँ पे ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखिए, हेल्दी में हेल्दी। तो मेरे पास दो, मैंने एक पूरा डाला हुआ है इसमें। इसमें हम डालेंगे नमक, नमक नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। मैं नमक डाला कि नहीं डाला पहले? नहीं डाला। ओह माय गॉड, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, बस इतना काफी है। तो ये देखिए, ये हमारा अचार बिल्कुल रेडी है। आई होप रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये रहा मेरा रात का जो डिनर के लिए मैंने बनाया था, वो तो मेरा रेडी हो गया है। तो गाइस रेडी हो गया, मैं थोड़ा सा चख लूँ, अब नमक चख लेती हूँ। पैसे सबसे मीन दो, फैंटास्टिक, रियली बहुत ही अमेजिंग बना हुआ, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा अपना खुद का जो मैंने बनाया हुआ टेस्ट, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बना रही हूँ, बताया है मैंने आपको, बहुत ही टेस्टी बना है, ऐसा लग रहा है खाते रहूँ। कितना भी साफ कर लो गाइस, सच में क्लीन लेंस बोल रहा है 2 मिनट। अच्छा, मेरा जो ये फ़ोन का जो है कैमरा, वो साफ नहीं था शायद, फ़ोटो में वीडियोस में इतनी अच्छी नहीं आई होगी अभी, और पर कोई बात नहीं, चलता है, जैसा भी है हम ठीक है रे बाबा, है ना। बहुत दिन से लाइव नहीं आई हूँ दोस्तों, कई लोगों ने मुझे बोला भी आप लाइव आया करो, बस थोड़ा सा मैं तो ठीक हूँ खैर अभी। बस थोड़ा सा खांसी से परेशान हूँ। लाइव में आऊँगी फिर खांसी करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं फिर उसके बाद आते हैं लाइव। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और रौनक तो मेरा स्कूल चला गया है। ओहो, चाय भी उबल गई,
तो मेरे ना गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ ENT हॉस्पिटल। तो आज सोच रही हूँ मैं दिखाई लेती हूँ, क्योंकि मुझे टॉन्सिल की भी प्रॉब्लम है, तो मुझे लग रहा है कि शायद मेरा टॉन्सिल ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से देखिए मेरा यहाँ पे ना काफ़ी टाइम से स्वेलिंग भी आ रखा हुआ है। तो ये ना अब बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो गया, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, और खांसने पे ना पूरा ये दर्द हो रहा है, उसकी वजह से कानों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और सर में भी दर्द हो रहा है। तो दवाई तो मैं खा ही रही थी बट आराम नहीं था, तो अब सोच रही हूँ कि डॉक्टर को ही दिखा के ही मैं ले लूँ, फिर पता चले आगे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम ना हो जाए। तो गाइस मैं कर रही हूँ ब्लॉग को एंड यहीं पर ही, बहुत लंबा हो जाएगा। अभी इसका आगे का भी मैं दिखाऊंगी आपको कि वहाँ जाके क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय।